सो हेलो गाइस, मैं इमरान से स्वागत करता हूँ आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में एक और मॉडुलस वाले फंक्शन का क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करने वाले, मॉडुलस वाले फंक्शन का एरिया फाइंड करेंगे कैसे। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हमारे पास क्लास 12th के मैथ के एनसीईआरटी चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड है, सेम एनसीईआरटी से नहीं है। चैप्टर 8 के ऊपर टर्म 2 का सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी। एक और क्वेश्चन है बच्चों को थोड़ी बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट थी कि सर मॉडुलस वाले फंक्शन को कैसे उसका ग्राफ ट्रेस करेंगे, किस तरीके उसका एरिया फाइंड करेंगे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। क्वेश्चन है क्या, यूजिंग इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन के मेथड को यूज करना एरिया फाइंड करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स आफ्टर मेकिंग अ रफ स्केच, मतलब उसका ग्राफ भी बनाना है। वाई इक्वल टू 1+, मैं इस बार इस लाइन को अच्छे से यहाँ पे मेंशन करता हूँ, फिर से थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1+ मॉडुलस x, ठीक है, मॉडुलस x प्लस 1, ये हमारे पास लाइन है एंड ये हमारे पास x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, इन सबका यूज करेंगे, ये सब बाउंड करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मली अपने दोनों एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं आराम से ग्राफ, x की वैल्यू -3 यहां पर होगा, x की वैल्यू +3 वहां पर होगा, ये 0 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, -3, -4। अब अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूं, सॉल्व हम कैसे करते हैं, यहां पर देखते हैं, फंक्शन बनाते हैं fx जिसे हम y भी बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। 1 तो ठीक ही रहेगा, मॉडुलस वाला फंक्शन अगर प्लस का किस केस में आएगा, प्लस का कब आएगा हमें बहुत अच्छे से पता है, इफ एंड ओनली इफ इसकी वैल्यू x प्लस 1 वैल्यू अगर 0 आ जाए, 0 से ग्रेटर आ जाए, सो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर नेगेटिव कैसे आएगी, नेगेटिव फंक्शन कैसे आएगा, जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक बिल्कुल ओके है। इसका इस तरह क्वेश्चन में बनाने भी आते हैं फंक्शन को, ये x डैश यहाँ पर डिस्टर्ब करा तो मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है ना। इस टाइप के फंक्शन हमने बनाए भी लिमिट एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में टर्म 1 में भी, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करूं, इसको अगर मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 1 और 1 2 हो जाएगा, x प्लस 2 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो -x -1 सो -x आएगा, वैसे लिख दिया -1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये फंक्शन थोड़ा शॉर्ट हो गया। x प्लस चेंज इन टू माइनस, x की वैल्यू ग्रेटर आएगी और इक्वल आएगी किससे, -1 से। यहां पर x की वैल्यू प्लस चेंज इनटू माइनस, लेस आएगी -1 से, कब, ये जी दोनों मैंने इसकी केस लिख दी, ये फंक्शन मेरे पास बनेगा। अब ये मैंने क्यों बनाया, इससे पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट मुझे पता चल जाए फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर, ये वाला पॉइंट भी क्लियर, कहां कहां पर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये मेरे पास कर्व बोल सकते हैं, कर्व को बनाने में और कर्व को ट्रेस करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब बनाते हैं, पहले इनके दो लाइन बन गई मेरे पास यहां पर, वाई इक्वल में पहला फंक्शन बन रहा है x प्लस 2, वाई इक्वल में -x, दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे मिलेंगे, y की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 यहां रख देते हैं, -x इधर आके प्लस को आ जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस को आ जाएगा, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 ये है, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, सो यही मेरे पास कोऑर्डिनेट आ रहा है, यस और नो, बिल्कुल x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, यहां पर तो बनेगा, ऐसे तो बनाते थे बचपन में, यस और नो, याद है, इसमें इरेज करते सिर्फ पॉइंट को, यहाँ पे नोट करते हैं, नोटेशन से पॉइंट की देते, ये यहां से लाइन स्टार्ट होने वाली, इंटरसेक्टिंग यहां पर करेगी, और क्या है, एक्स प्लस 2 -1 से ग्रेटर, ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट, एक्स प्लस 2 कहां चलेगा, देखो -1 से ग्रेटर कहां है, 0 1 2 3 ये ग्रेटर है। ये मैंने आपको कर्व को बहुत अच्छे से ट्रेस करना सिखा दिया, यहां पर एक्स की वैल्यू -1 से लेस है, लेस कहां पर है, यहां पर है, ये ग्राफ की इक्वेशन बन गई हमारे पास, और कहां तक, सिर्फ एक्स इक्वल टू 3 तक, प्लस में भी 3, ठीक है, माइनस में भी 3, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल मिड पॉइंट वाला पार्ट हो गया। ये मैं अच्छे अलग अलग तरीके से ट्रेस कर देता हूं, बाउंड कर देते हैं, इनका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपना करेंगे क्या कॉन्सेप्ट, अपने एरिया का फॉर्मेट यूज करते हैं इंटीग्रेशन वाला, और इसका एरिया फाइंड करके दिखाते हैं, अच्छे से मजा आने वाला कॉन्सेप्ट में ना, क्योंकि ग्राफ का कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड था, वही हमारे पास बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो टेंशन थी ना खत्म हो चुकी है हमारी, ग्राफ हमारा ड्रॉ हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास दो टाइप का यहाँ पे इक्वेशन थी, क्या थी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, यस और नो, किस चीज के लिए, मैं आपको एरिया बताता हूं पहले,
ये दो हमारे पास इक्वेशन थी, एरिया निकालेंगे, इसको आप हम लेबल कर लेते हैं, इसका ए बी सी डी ई एफ। सो सबसे पहले ए बी सी डी के लिए माइनस वन से थ्री के लिए माइनस वन से थ्री लिमिट रहेगी, वाई डी एक्स यहां पर मेरे पास फंक्शन क्या आता माइनस वन से ग्रेटर के लिए, ये वाला फंक्शन था, वाई की वैल्यू क्या एक्स प्लस टू। यस सो नो, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज छोटी सी स्ट्रांग वाली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स रिलेटेड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, टर्म टू मैच के नाम से सेपरेट प्लेलिस्ट पर आ देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ऊपर लेफ्ट में आई के बटन में मिल जाएंगे आपको, जिससे कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना आ जाएगा कि सर लिमिट कैसे रख रहे हैं, एरिया फॉर्मूला वाई डी एक्स कैसे होता है, वाई की वैल्यू कहां से आती है, ये वाला कॉन्सेप्ट। यहां पर अगर मैं देखूं माइनस थ्री से माइनस वन, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, नहीं भी क्लियर है एक बार दोबारा बता देना अच्छे से, क्योंकि मुझे बार बार यही लग रहा है कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं, मैं दोबारा यहां पर बता दूं, एरिया इक्वल फाइंड करते हैं वाई डी एक्स, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस की लिमिट रखते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मैं एरिया फाइंड करने वाला हूं, तो देखो पहले किसी फाइंड करेंगे ए डी ई बी, सो इसमें लिमिट क्या है माइनस थ्री से माइनस वन, और यहां पर एक्स एक्सिस पर है सो वाई लिखेंगे, और यहां से यहां तक पर फंक्शन कौन सा वाला है, एक्स की वैल्यू माइनस वन थी, यानी कि ये वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर वाले कॉन्सेप्ट पे, वाई की वैल्यू माइनस का एक्स डी एक्स। फिर आप माइनस वन से कहां गए थ्री तक गए, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आती है एक्स प्लस टू, ये था कॉन्सेप्ट। आराम से सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं। सो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट माइनस वन माइनस थ्री, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू का टू एक्स, अपर लिमिट थ्री, लोअर लिमिट माइनस वन। अपर लिमिट पुट करेंगे पहले तो वन अपॉइंट टू को बाहर लिख लेते हैं, माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, बीच में माइनस होते ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉइंट टू, थ्री टू या सिक्स, बीच में माइनस लिखेंगे, माइनस वन पुट करेंगे तो वन अपॉइंट टू आएगा, टू वन जो टू माइनस का टू आएगा। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारे पास आसानी से आ जाएगा, यह आएगा माइनस का एट, माइनस का वन अपॉइंट टू और माइनस का एट, ये कितना आएगा नाइन अपॉइंट टू सिक्स, माइनस का वन अपॉइंट टू, माइनस माइनस प्लस। अब आराम से सॉल्व करते हैं, टू फोर जा कितना आएगा फोर, ये कितना आएगा एट, ये कितना आएगा एट अपॉइंट टू, ये कितना हो गया हमारे पास ट्वेल्व, ये कितना हो गया फोर, आंसर आया सिक्सटीन स्क्वायर यूनिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये वाला ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि ग्राफ किस तरीके से इसका कर्व ट्रेस करना है, इक्वेशन हमारे पास कितनी इंटरेस्टिंग थी। होप सो आज के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो बिल्कुल अच्छे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले, अगर आज की वीडियो ऐसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले आप।